हार्दिक पांडे के लिए आईपीएल 2024 किसी बुरे सपने से कम नहीं है और यह बुरा दौर हार्दिक पांडे के लिए शुरू हुआ जब हार्दिक पांडे ने गुजरात की कप्तानी छोड़कर और मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाल ली। और हार्दिक पांडे की यह जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि हार्दिक पांडे ने मुंबई की टीम में वापसी करके और मुंबई की कप्तानी संभाल ली। अगर हार्दिक पांड्या गुजरात की टीम से मुंबई की टीम में एक प्लेयर ग्रुप में आते तब भी हार्दिक पांडे के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है तो रोहित शर्मा के फैंस और साथ ही मुंबई इंडियंस के फैंस भी अब हार्दिक पांड्या ट्रोल करने लगे हैं। और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने कुछ भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। आईपीएल 2024 में मुंबई की टीम ने अब तक 11 मैच खेले हैं और 11 में से 3 मैच मुंबई की टीम ने जीते हैं, जिसके चलते मुंबई की टीम इस बार के आईपीएल से बाहर हो गई है। मुंबई के 2024 के आईपीएल में इतने खराब प्रदर्शन के बाद में यह बात तो निश्चित हो गई है कि हार्दिक पांड्या अगले आने वाले सीजन में मुंबई की टीम की कप्तानी नहीं कर सकते हैं और हो सकता है कि हार्दिक पांड्या आने वाले एक दो मुकाबले में भी कप्तानी छोड़ सकते हैं। इसके साथ अगर बात करें रोहित शर्मा की तो रोहित शर्मा के बारे में भी खबरें निकल के आ रही है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ने वाले हैं और अगर रोहित शर्मा अगले साल मुंबई इंडियंस को नहीं छोड़ते हैं तो भी कप्तानी मुंबई इंडियंस वाले रोहित शर्मा को न देकर सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन को देने वाले हैं। अब अगर कल के मैच के बारे में बात करें तो कल मुंबई और केकेआर का मैच हुआ जिसमें केकेआर ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में केवल 169 रन बनाए, लेकिन मुंबई की टीम इसी लक्ष्य का पीछा भी नहीं कर सकी। मुंबई कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस मैच में 1 रन बनाया। मुंबई की ओर से सूर्य कुमार यादव ने जरूर 50 रन की पारी खेली, लेकिन इसके बाद भी मुंबई की टीम इस यह मैच नहीं जीत सकी और यह मैच हारते ही मुंबई की टीम आईपीएल से बाहर हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें।